आज हम लोग अपने ज्योग्राफी के चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में शुगर इंडस्ट्रीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे। शुगर इंडस्ट्रीज़ ये मेनली लोकेटेड होते हैं शुगर प्रोड्यूसिंग एरियाज़ के सामने, और करंट में ये देखा जा रहा है कि ये ज़्यादातर साउथ की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि साउथ की तरफ जो शुगर केन उगाया जाता है उसमें शुगर कंटेंट की मात्रा ज़्यादा है। ये सीजनल इन नेचर है। मुख्य एरिया है उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा और बिहार। अब सवाल उठता है कि कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो गन्ने के ग्रोथ को या शुगर इंडस्ट्रीज़ के ग्रोथ को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला जो शुगर इंडस्ट्रीज़ है वो प्रोडक्शन जहाँ पर होता है शुगर केन का, जहाँ उगाया जाता है उसके नज़दीक होने चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ वहाँ डेवलप होनी चाहिए, रोड्स का कंडीशन बढ़िया होना चाहिए, और वहाँ जो कोऑपरेटिव्स इनको चलाती हैं उनको सक्सेसफुल होना चाहिए ताकि गन्ना किसानों को भी फ़ायदा मिल सके, शुगर का प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो सके और शुगर की कीमतें भी कम हो सके। अब सवाल उठता है कि शुगर इंडस्ट्रीज़ के सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो है डिले इन ट्रांसपोर्टेशन, यानी गन्ना खेत में गन्ने की कटाई होने के बाद में वो कितने समय में मिल तक पहुंचता है, ये भी बहुत काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। जितना जल्दी वो मिल तक पहुँचेगा उतना जल्दी उसमें उसका प्रोडक्शन किया जा सकता है, शुगर का प्रोडक्शन किया जा सकता है। देरी होने से किसान को भी नुकसान है और मिल मालिक को भी नुकसान है। दूसरा प्रॉब्लम है ये सीजनल इन नेचर है। तीसरा जो मेन प्रॉब्लम है लो सुक्रस कंटेंट, सुक्रस यानी शुगर की जो मात्रा है, परसेंटेज ऑफ शुगर जो एक शुगर के हम लोग को मिल रहा है। तो आमतौर पे ये देखा जा रहा है कि भारत में बहुत सारे क्षेत्रों में शुगर केन का प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन साउथ में ही देखा जाएगा कि साउथ में ही जो गन्ना है उसमें शुगर का कंटेंट अच्छे मात्रा में है, यानी उसका अगर हम लोग शुगर केन से अगर शुगर बनाते हैं तो हमको अच्छी खासी मात्रा में शुगर मिल सकता है। यानी अब यह सवाल आता है परसेंटेज का मतलब क्या हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए 100 किलो हम लोग शुगर केन लेते हैं, उसका रस निकालते हैं और उसमें से हम लोग को 40 किलो हम लोग का शुगर बनता है, मतलब सुक्रोज कंटेंट कितना हो गया 40%, है ना। तो अगर सुक्रोज का कंटेंट ज़्यादा होगा 60% होता तो 60 किलो निकाल पाते, 70% होता तो 70 किलो निकाल पाते। तो वेट देखिए 100 किलो ही मैंने वेट लिया है सब में, लेकिन सुक्रोज कंटेंट के ऊपर में शुगर का जो अमाउंट है वो डिपेंड करता है। तो इस कारण से भी ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है शुगर इंडस्ट्रीज़ को लेकर कि शुगर केन तो है लेकिन शुगर का प्रोडक्शन उतना नहीं हो पा रहा है। अगला एक और कारण प्रॉब्लम जो फेस करना पड़ता है कि जो ओल्ड और इनसफिशेंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने मिल्स पे, है ना, जिसके कारण से जो प्रोडक्शन जितना होना चाहिए, जितना मात्रा में हम लोग को शुगर प्रोड्यूस करना चाहिए उससे कम हम लोग कर पा रहे हैं। शुगर केन से शुगर का जूस निकालने के बाद में जो उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है बेगेजी, है ना, उसका हम लोग प्रॉपर यूज़ नहीं कर पा रहे। वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इस वेस्ट प्रोडक्ट का बेगेजी का जो इस्तेमाल जो है वो एनर्जी जनरेट करने के लिए करते हैं, यानी ओवरऑल उसका यूज़ हो पा रहा है, वो वेस्ट नहीं हो रहा है, लेकिन भारत में इसका हम लोग प्रॉपर यूज़ नहीं कर पा रहे। तो मुझे लगता है कि शुगर इंडस्ट्रीज़ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ का लास्ट इंडस्ट्री था जिसके बारे में हमको पढ़ना था। इससे पहले मैंने कॉटन और जूट इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताया है। अब अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।